पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप शरीफ पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में आज कई बड़े चेहरों ने नामांकन दाखिल किया। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी एवं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने भी नामांकन दाखिल किया। रोहिणी के नामांकन के दौरान पूरा लालू परिवार उनके साथ मौजूद रहा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, माँ राबड़ी देवी, दोनों भाई तेजस्वी तेज प्रताप और बहन मीसा भारती भी मौजूद रही। इसी के साथ साथ आरजेडी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे रोहिणी के नामांकन के दरमियान। इस दौरान जनसभा में संबोधित करती हुई नजर आई रोहिणी आचार्य और बड़ा बयान देती हुई नजर आई कि मैं यहां पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने नहीं आई हूं, मैं यहां पर अपना सब सुख छोड़कर यहां पहुंची हूं आपकी बेटी बनने के लिए। इसके साथ साथ रोहिणी आचार्य यह भी कहती हुई नजर आई कि मैं कोई राजनेता नहीं बल्कि आपकी बहन बेटी हूँ, आपके हर सुख दुख में साथ दूंगी, सुख दुख में साथ देने का वादा करती हुई नजर आई। तो वही अपनी उपलब्धियों को भी एक बार फिर बताती हुई नजर आ रही है रोहिणी आचार्य। चलिए आपको हम पहले वो सुनवाते हैं कि जनसभा के दौरान रोहिणी आचार्य क्या कुछ कह रही है। नामांकन के बाद हुए जनसभा को संबोधित करते हुए रोहिणी आचार्य ने आज जो बड़ा बड़ा बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कोई राजनेता नहीं बल्कि बहन बेटी है और वो हमेशा सारण की जनता के साथ खड़ी रहेंगी, उनके हर सुख दुख में खड़ी रहेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि वो अपना सुख छोड़ कर यहाँ पहुंची सिर्फ और सिर्फ जनता का सेवा करने के लिए। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही थी वो भी सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे शरीफ पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।